हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एसटीवी के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम निफ्टी 50 के उन 5 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो इस हफ्ते सबसे ज्यादा लॉस में गए हैं, और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इन स्टॉक्स में कैसी रणनीति रखनी चाहिए। इसके साथ ही आपसे इतना अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद है और यह जानकारी पूर्ण लगता है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो इस हफ्ते का हमारा पहला स्टॉक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ये स्टॉक शुक्रवार 15 दिसंबर 2023 को 449 रुपए पर बंद हुआ है, जो पिछले हफ्ते के तुलना में 4.56% यानी कि 21 रुपए और 45 पैसे घटा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 482 रुपए और 50 पैसे है और 52 वीक लो 314 रुपए और 5 पैसे है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 460 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद डाउनसाइड मूव दिखाना शुरू किया था। अब जो इसका डाउनसाइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है, इसका पहला सपोर्ट 422 रुपए, इसका दूसरा सपोर्ट 389 रुपए और 70 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट 364 रुपए और 10 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना डाउनसाइड मूव कंटिन्यू करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए नजर आ सकता है, और अगर ये स्टॉक इस लेवल से ऊपर की तरफ जाता है तो इसका पहला रेजिस्टेंस होगा 460 रुपए और 55 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस होगा 476 रुपए और 50 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस होगा 493 रुपए और 20 पैसे। अगर यह स्टॉक यहां से अपसाइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए नजर आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक बेयरिश होता हुआ नजर आ रहा है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक बुलिश नजर आ रहा है, तो आने वाले समय में यह स्टॉक किसी भी दिशा में जाते हुए नजर आ सकता है। इसलिए आपको अभी इस स्टॉक में कोई भी फ्रेश एंट्री प्लान नहीं करना चाहिए और इस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्स होने तक का इंतजार करना चाहिए। तो इस हफ्ते का हमारा दूसरा स्टॉक मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड है। ये स्टॉक शुक्रवार 15 दिसंबर 2023 को 10,286 रुपए और 40 पैसे पर बंद हुआ है, जो पिछले हफ्ते के तुलना में 3.13% यानी कि 332 रुपए और 15 पैसे घटा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 10,932 रुपए और 85 पैसे है और 52 वीक लो 8,076 रुपए और 5 पैसे है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 10,931 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद डाउनसाइड मूव दिखाना शुरू किया था। अब जो इसका डाउनसाइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है, इसका पहला सपोर्ट 10,204 रुपए और 30 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट 9,925 रुपए और 60 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट 9,490 रुपए और 80 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना डाउनसाइड मूव कंटिन्यू करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए नजर आ सकता है, और अगर ये स्टॉक इस लेवल से ऊपर की तरफ जाता है तो इसका पहला रेजिस्टेंस होगा 10,623 रुपए और 5 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस होगा 10,786 रुपए और 10 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस होगा 10,931 रुपए और 5 पैसे। अगर यह स्टॉक यहां से अपसाइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए नजर आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक बेयरिश नजर आ रहा है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ये स्टॉक बेयरिश ही नजर आ रहा है, तो आने वाले समय में यह स्टॉक और भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। इसलिए आपको अभी इस स्टॉक में कोई भी फ्रेश एंट्री प्लान नहीं करना चाहिए और इस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्स होने तक का इंतजार करना चाहिए। तो इस हफ्ते का हमारा तीसरा स्टॉक डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड है। ये स्टॉक शुक्रवार 15 दिसंबर 2023 को 5,589 रुपए और 45 पैसे पर बंद हुआ है, जो पिछले हफ्ते के तुलना में 3.03% यानी कि 174 रुपए और 45 पैसे घटा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 5,989 रुपए और 70 पैसे है और 52 वीक लो 4,175 रुपए और 10 पैसे है।
स्टॉक ने हाल के दिनों में 5,838 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद डाउनसाइड मूव दिखाना शुरू किया था। अब जो इसका डाउनसाइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला सपोर्ट 5,403 रुपए और 5 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट 5,245 रुपए और 30 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट 5,077 रुपए और 95 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना डाउनसाइड मूव कंटिन्यू करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए नजर आ सकता है, और अगर ये स्टॉक इस लेवल से ऊपर की तरफ जाता है तो इसका पहला रेजिस्टेंस होगा 5,619 रुपए और 80 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस होगा 5,688 रुपए और 30 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस होगा 5,838 रुपए और 55 पैसे। अगर यह स्टॉक यहां से अपसाइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए नजर आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक बेयरिश नजर आ रहा है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ये स्टॉक बेयरिश ही नजर आ रहा है, तो आने वाले समय में यह स्टॉक और भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। इसलिए आपको अभी इस स्टॉक में कोई भी फ्रेश एंट्री प्लान नहीं करना चाहिए और इस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्स होने तक का इंतजार करना चाहिए। तो इस हफ्ते का हमारा चौथा स्टॉक नेस्ले इंडिया लिमिटेड है। ये स्टॉक शुक्रवार 15 दिसंबर 2023 को 24,366 रुपए और 40 पैसे पर बंद हुआ है, जो पिछले हफ्ते के तुलना में 1.71% यानी कि 423 रुपए और 20 पैसे घटा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 25,240 रुपए और 75 पैसे है और 52 वीक लो 17,880 रुपए है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 25,175 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद डाउनसाइड मूव दिखाना शुरू किया था। अब जो इसका डाउनसाइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला सपोर्ट 23,978 रुपए और 10 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट 23,614 रुपए और 50 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट 23,372 रुपए और 10 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना डाउनसाइड मूव कंटिन्यू करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए नजर आ सकता है, और अगर ये स्टॉक इस लेवल से ऊपर की तरफ जाता है तो इसका पहला रेजिस्टेंस होगा 24,729 रुपए और 60 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस होगा 25,173 रुपए और 50 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस होगा 25,430 रुपए और 45 पैसे। अगर यह स्टॉक यहां से अपसाइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए नजर आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक बेयरिश नजर आ रहा है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ये स्टॉक बेयरिश ही नजर आ रहा है, तो आने वाले समय में यह स्टॉक और भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। इसलिए आपको अभी इस स्टॉक में कोई भी फ्रेश एंट्री प्लान नहीं करना चाहिए और इस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्स होने तक का इंतजार करना चाहिए। तो इस हफ्ते का हमारा पांचवा स्टॉक सिप्ला लिमिटेड है। ये स्टॉक शुक्रवार 15 दिसंबर 2023 को 1,207 रुपए और 10 पैसे पर बंद हुआ है, जो पिछले हफ्ते के तुलना में 0.98% यानी कि 12 रुपए घटा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 1,283 रुपए और 55 पैसे है और 52 वीक लो 852 रुपए है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 1,275 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद डाउनसाइड मूव दिखाना शुरू किया था। अब जो इसका डाउनसाइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला सपोर्ट 1,166 रुपए, इसका दूसरा सपोर्ट 1,131 रुपए और 60 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट 1,082 रुपए और 20 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना डाउनसाइड मूव कंटिन्यू करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए नजर आ सकता है, और अगर ये स्टॉक इस लेवल से ऊपर की तरफ जाता है तो इसका पहला रेजिस्टेंस होगा 1,225 रुपए और 90 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस होगा 1,272 रुपए और 40 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस होगा 1,293 रुपए और 95 पैसे। अगर यह स्टॉक यहां से अपसाइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए नजर आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक बेयरिश नजर आ रहा है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ये स्टॉक बेयरिश ही नजर आ रहा है, तो आने वाले समय में यह स्टॉक और भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। इसलिए आपको अभी इस स्टॉक में कोई भी फ्रेश एंट्री प्लान नहीं करना चाहिए और इस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्स होने तक का इंतजार करना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इनमें कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।
आपको व्यापार करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सलाह दी जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।